दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और दोस्तों, मैं पवन सैनी आपका दोस्त एंड होस्ट आपको जानकारी देता हूं बागवानी की। दोस्तों, बागवानी में आज हम आपको जानकारी देंगे अमरूद की खेती की। दोस्तों, अमरूद की खेती में जुलाई के महीने में क्या करना चाहिए, वैसे जून के महीने में क्या करना चाहिए, ये वीडियो में होना चाहिए था, परंतु मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। पर फिर भी इतना लेट नहीं कि आपको मैं जानकारी ना दूँ। दोस्तों, जानकारी ये है कि अमरूद में फसल को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, अमरूद में फसल को कंट्रोल करना होता है। जैसा कि हमने आपको मार्च के महीने में बताया था, मार्च और अप्रैल में हमने वीडियो बनाई थी कि अमरूद में जो वर्षा ऋतु की फसल है उसको तोड़ देना चाहिए और जो सर्दी की फसल है उसको लेना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि सर्दी की फसल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, अच्छी गुणवत्ता की होती है, जबकि वर्षा ऋतु की जो फसल है वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और अच्छे फ्रूट नहीं बन पाते हैं दोस्तों। परंतु अमरूद में क्या होता है कि वर्षा ऋतु की फसल ज़्यादा आती है, प्राकृतिक तौर पर ज़्यादा आती है, इसलिए वो ज़्यादा लगने से पौधा काफ़ी वीक हो जाता है और सर्दी की फसल नहीं दे पाता है दोस्तों। परंतु हम क्या करते हैं कि मार्च अप्रैल में जो फूल खिलते हैं, फल बनते हैं, उनको तोड़ देते हैं, कंचे के आकार होने तक हम उनको पौधे से अलग कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको वीडियो बनाकर दिखाया था कि हमने इस पौधे से फल जो हैं वो लगभग ख़त्म कर दिए थे, तोड़ दिए थे, हाथ के द्वारा मैनुअली तोड़ दिए थे। दोस्तों, अब जुलाई में क्या करना है, यानी जुलाई में जो ये शाखाएं हैं इन पे से पत्ते निकालने हैं आपको। पत्ते निकाल कर दोस्तों इनको इस प्रकार से बेंड करना, देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बेंड करना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों? ऐसा करने से ये होगा कि ये जो शाखाएं आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्प्राउटिंग होगी, यानी फुटाव आएगा, फुटाव के साथ उसमें कलियाँ होंगी। दोस्तों, जब आप प्राकृतिक तौर पे ऐसे ही पौधे को छोड़ देते हैं तो जुलाई के आखिर में और अगस्त में फूल खिलता है हमारे अमरूद पर, और वो पकता है जनवरी फरवरी में, ज़्यादातर जनवरी में पकता है। जब जनवरी में सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो जो अमरूद का फसल है वो बहुत टाइट हो जाता है और मार्केट में उसका प्राइस बहुत गिर जाता है। तो अर्ली फसल लेने के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। और दूसरा कार्य क्या करते हैं दोस्तों, जिन भी भाइयों ने इसकी मार्च अप्रैल में कटिंग करी है, कटिंग करने के बाद क्या होता है दोस्तों, अमरूद में प्राकृतिक तौर पे फूल आना चाहिए था, जैसे कि हमने बताया आपको जून जुलाई में, परंतु ऐसा नहीं होता। जब हम कटिंग कर देते हैं तो ज़्यादातर किसानों ने ये समस्या दिखाई है कि उनके पौधों में कटिंग करने के बाद फसल नहीं आई, यानी फूल नहीं आए। ऐसे ही समस्या होने पर भी आप ये विधि अपना सकते हैं जो हमने बेंडिंग विधि बताई है। इस प्रकार से मैं आपको पौधा दिखाता हूँ कि हमने क्या करा है। दोस्तों, देखिए इस पौधे को, हमने इसकी पत्तियां काफ़ी हद तक कम कर दी हैं, जैसा कि आप देख पाओगे पीछे की पत्तियां, अंदर की पत्तियां थोड़ी सी हमने कम कर दी हैं, और ये जो आगे की टहनियां हैं इनको आपस में इकट्ठा करके इस प्रकार से धागे से बांध दिया पौधे पर भी। ऐसा करने से जो मैंने आपको बताया, ऊपर स्प्राउटिंग होगी, डालियों पर स्प्राउटिंग होगी और उन स्प्राउटिंग में फूल आएगा बहुत बड़ी संख्या पे, तो फसल की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। ये करने से दोस्तों आपके पौधे को एक स्ट्रेस मिलता है, यानी तनाव पैदा होता है, और तनाव पैदा होने से यहाँ पर जो भी शाखाएं वहाँ पर फुटाव आता है। दोस्तों, ऐसा करना बढ़िया है और अच्छा है। इस प्रकार से आप कभी भी किसी भी टाइम में अमरूद के पौधे में फ्रूटिंग ले सकते हैं। दोस्तों, जो ये पौधा आप पीछे देख रहे हैं, ये है हमारा इलाहाबादी सफ़ेदा का, और हमारे पास कई प्रजाति के पौधे हैं अमरूद के, जैसे हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा, ताइवान पिंक, तो ये हम इसी प्रकार से उनकी अच्छी क्वालिटी की फसल लेते हैं। अब जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें उनमें फ्लावर में भी थिनिंग करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, इतनी बड़ी संख्या में फ्लावर सेट होंगे, फ्रूट सेट होंगे, और अमरूद का साइज बनाने के लिए हमें उसमें थिनिंग की आवश्यकता पड़ जाएगी। परंतु कई बार किसानों को देखा गया है कि उनकी सर्दी की फसल आती नहीं है या फिर बहुत लेट आती है, तो दोस्तों ये विधि अपनाएं आप और देखिए कि आपको ये फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, आप अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।